अस्सलामुअलैकुम। मेरी आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि बीवी कैसी होनी चाहिए। जाहिर है बहुत सारे लोग मुझसे राबता करते हैं कि वो उनके पास आइडियल सेल्फ होती है और एक रियल सेल्फ होती है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप शोहर हैं या बीवी हैं, या आपकी कोई शादी हुई है आपके पास आपका शोहर है, या अगर आप शोहर हैं तो आपके पास बीवी है, तो आपके पास होना चाहिए कि बीवी या शोहर को कैसा होना चाहिए। अभी कल की बात है, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा था तो मैं अपने मोबाइल को थोड़ा सा देख रहा था। मेरी एक वीडियो थी जिसपे मैंने मेल अब्यूज के बारे में बात किया था, दो नंबर धोखेबाज फ्रॉड लड़कियों के बारे में बात किया था। और मैंने नोट किया कि जब मैं इस तरह की बात करता हूँ तो बहुत लोगों को बुरा लगता है। अब मैंने नोट किया कि लोग, चूंकि दुनिया में धोखा बढ़ता ही जा रहा है, हमारे मुल्क में तो धोखा है ही बहुत ज्यादा, तो इतने सारे धोखे के बाद जब लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो उन्हें बुरा लगता है ना, कि मैं नहीं समझता कि मैं उनके खिलाफ बात कर रहा हूँ। मैं तो विक्टिम को एजुकेट कर रहा होता हूँ कि आप अपने आप को सेफ रखें, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अपनी बहन को समझा रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अपनी बीवी को सेफ रखना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अपनी बेटी को सेफ रखना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह आप अपनी माँ की हिफाजत करते हैं। हमारा माशरा चूंकि मुनाफिकों का माशरा है, इसने लोगों को यानी माशरे की औरतों को दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, एक मेरे घर की औरत और एक दुनिया की या पूरे गरीब की औरत। ये अपने घर की औरत का तो ख्याल रखना चाहता है, लेकिन इसके साथ साथ ये चाहता है कि दूसरे की औरत को मैं तबाह कर दूं। तो ये जो हमारी मुनाफ़कत है, मैं इस पर बात करता हूँ। मैं नहीं चाहता, जिस तरह से मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन बीवी बेटी और माँ की हिफाजत हो, इसी तरह दुनिया की हर औरत की हिफाजत होनी चाहिए, और खासकर मेरे मुल्क की, मेरे मुसलमान जो बहनें हैं उनकी हिफाजत होनी चाहिए। मैं उस पर बात करता हूँ, मेरा पूरी फिलॉसफी है। मैं चाहता हूँ कि लोगों को समझ आ सके कि आप वो सोचें किसी की बेटी के बारे में जो आप अपनी बेटी के बारे में सोचते हैं, किसी की बहन के बारे में वो सोचें जो आप अपनी बहन के बारे में सोचते हैं। मुझे पता है कि आप हाइपर सेक्सुअल हैं, आपके अंदर जिंसी ख्वाहिश एबनॉर्मल हद तक बढ़ गई है, आप पॉर्न देखते हैं और आप जो गंध देखते हैं वो आपके अंदर तबाही फेर देता है, आपके अंदर तबाही मचा देता है, आपका जहन तबाह कर देता है। मैं माहिर नफ्सियात हूँ, मैं आपके दिल को भी समझता हूँ, आपके दिमाग को भी समझता हूँ, आपके जहन में चलने वाले ख्यालात को भी समझता हूँ। तो बहुत बार जो है, मैं जाहिर जब माशरे की इस बात पर बात करता हूँ तो मुझे बुरा सुनने को मिलता है। तो मैं, मेरी कोई वीडियो थी उसके नीचे लिटरली को 1000 बुरे कॉमेंट्स थे, तो मैंने अपनी बीवी को ये बात कही हंसते हुए। मैंने कहा कि तुम्हारे शोहर को पता है कि 1000 लड़कों ने बुरा भला कहा हुआ है। तो वो उसने मुझे जो आगे से कहा, वो उसने बड़े इत्मीनान से कहा कि मुझे कोई मसला नहीं है कि मेरे शोहर के लिए लोग मक्का में गुलाफे काबा को पकड़कर दुआ करते हैं, रोजा रसूल पर जाकर दुआ करते हैं। तो मुझे तो अपने शोहर के बारे में पता है कि कितनी बड़ी तादाद में आपने लड़कियों को हेल्प किया है, उनको आपने साइकोलॉजिकल और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया है, लड़कियां आपसे, आपके लिए दुआएं करती हैं। तो मुझे, मैं क्यों देखूं कि 1000 लोग आपके बारे में क्या बुरा कह रहे हैं, मैं वो क्यों ना देखूं, वो जो दो हाथ आपके लिए उठते हैं, वो हाथ जो गुलाफे काबा को आपके लिए पकड़ते हैं, आपके लिए दुआएं मांगते हैं, फिर वो आंखें जो आपके लिए रोती हैं, आपकी खैर मांगती हैं, वो लड़कियां जो रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपके लिए दुआएं करती हैं। तो मैंने उसे कहा कि दुनिया को वो नजर तो नहीं आता जो लोग मेरे लिए दुआ करते हैं। मेरा और उसका मुकालमा मैं चाहता था मैं आपसे शेयर करूं। मैंने कहा लोग तो वो देखेंगे ना जो उनको नजर आ रहा है, और नजर तो जाहिर बुरा भला ही आ रहा होगा। तो वो कहने लगी कि आप लोगों की फिक्र ना करें, आपने अल्लाह को जवाब देना है। अल्लाह की नजर में आप अच्छे हैं या बुरे हैं ये मैटर करता है, दुनिया की नजर में आप अच्छे हैं बुरे हैं ये मैटर नहीं करता, या लड़कों की नजर में, खासकर लड़कों की नजर में अगर आप बुरे हैं या अच्छे हैं ये मैटर नहीं करता है। और फिर उसकी इस बात से मुझे काफी तस्कीन मिली, मुझे तसल्ली हुई, क्योंकि वो कहती है कि आपके लिए जो मजलूम दुआएं करता है, जालिम को तो बुरा ही लगेगा आपका कंटेंट, जालिम तो चीखेगा ही, लड़के धोखेबाज फ्रॉडिये चीखेंगे ही, जो लड़कियां हैं जो मजलूम हैं वो आपके लिए काबा में दुआ करती हैं, खाना काबा के अंदर जाकर आपके लिए दुआएं मांगती हैं, और रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाकर आपके लिए दुआएं मांगती हैं, वो मेरे लिए मैटर करता है। अब मैं इस बात के बाद ये बात सोच रहा था, आजकल जाहिर है मैं आपसे अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करना शुरू हो गया हूँ, और मैंने सोचा है कि मैं बहुत ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी जाती जिंदगी को आप लोगों के साथ शेयर करूं। बहुत अरसा हो गया है कि मैं अपनी जाती जिंदगी लोगों के साथ शेयर नहीं करता, मुझे अच्छा फील नहीं होता, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं सिखाने की गर्ज से आपसे कुछ बातें शेयर करके फिर मैं दरवाजा अपनी जाती जिंदगी का बंद कर लूंगा। तो ये उन वीडियो, चंद वीडियोज में से होगी जिसमें मैं चाहूंगा कि आप मेरी जिंदगी की झलक को देखें सीखने की नियत से, वरना फिर मैं जाहिर है मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं फिर अपने बैक टू वर्क चला जाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपसे अपनी कोई ऐसी बात शेयर ना करूं जिससे आप जाहिर जब सोचे तो आपको तकलीफ पहुंच जाए। बहुत सारे लोगों को इससे भी तकलीफ पहुंचती है कि मेरी जिंदगी में सुकून कैसे है। बहुत सारे लोगों को तकलीफ इन सेंस के दर्द पहुंचता है, वो सोचते हैं कि उनके भाई मेरे भाइयों जैसे नहीं है, उनकी बहनें मेरी बहनों जैसी नहीं है, उनके माँ बाप मेरे माँ बाप जैसे नहीं है, उनकी बीवी मेरे बीवी जैसी नहीं। तो ये जो तकलीफ है, मैं ये भी देना नहीं चाहता, लोगों को दुख देना नहीं चाहता।
तो मैं बहुत बार सोचता हूँ कि बीवी कैसी होनी चाहिए और ये क्या है, तो मैं इसका वाक्य आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जिंदगी में जब मैं उम्रा का मुझे ख्याल आया तो मैंने सोचा, बहुत सारे लोग मैं सोच रहे थे पूछ रहे थे कि आप उम्रा करें, तो मेरी अम्मी ने भी मुझसे पूछा कि तुम्हारे, अब जाहिर जब मैं कमाने लगा, ये तब की बात है, जाहिर मैंने नया नया कमाना शुरू किया था, तो मेरी अम्मी ने जो मुझसे सबसे पहला सवाल ये किया कि बेटा तुम उम्रा के लिए कब जा रहे हो, तो मैं, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपनी अम्मी को ये बात कैसे कहूं, लेकिन मैं चुप रहा। काफी दिन मैंने अपनी मदर को इस बात पर जवाब नहीं दिया। जब भी मैं पाकिस्तान में फोन करता था, मेरी मदर मुझसे पूछती थी तुम उम्रा पे कब जा रहे हो, तो मैंने एक दिन हिम्मत पकड़कर अम्मी को अपने दिल की बात बता दी। मैंने कहा अम्मी मैं आपसे पहले, यानी अम्मी और अब्बू से पहले मक्का में मदीना में पांव नहीं रख सकता। तो मेरी मदर ने जब ये मेरी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि बेटा तुमने जिंदगी में हजारों काम किए हैं, कभी तुमने हमारे बारे में इस तरह से नहीं सोचा, नेकी के और खैर के काम में तुम जो है ना बिल्कुल हमारे बारे में सोचने बैठ गए हो, जो कि गलत सोच है, तुम्हें इस तरह नहीं सोचना थी, तो अगर तुम पहले जा सकते हो तो तुम्हें जाना चाहिए। तो मैंने कहा अभी मेरे पास पैसे हैं, मैं जब जाना चाहूँ तो चले। अब ये वो जुमला जो मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझे लगता है मैं जब जाना चाहूँ जा सकता हूँ। तब मुझे लगता था कि लोग पैसे से मक्का और मदीना जा सकते हैं, तब मुझे नहीं पता था कि वहां पर हाजिरी लगती है, वहां पर इजाजत से बंदा दाखिल होता है। तो ये बात कहने के बाद मैंने कहा चले ठीक है, मैंने उम्रा की तैयारी कर ली। अब आप हैरान होंगे कि मैं कई साल उम्रा करने की कोशिश करता रहा और मुझे इजाजत नहीं मिली। मेरी जेब में पैसे सब कुछ होते हुए मुझे इजाजत ना मिली। एक रात फिर मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मैं रोया, मैंने आधी रात को उठकर तहज्जुद पढ़ी और पढ़ने के बाद मैंने जाय नमाज बिछाया और मैंने कहा कि मेरे मालिक मुझसे गलती हुई, मुझे तू माफ कर दे। कि मैंने ये कितना बड़ी बात कह दी कि मैं इतना बड़ा लफ्ज तेरे आगे, या इतना बड़ा जुमला मैंने तेरे आगे रख दिया कि पैसों के साथ है, मेरे पास पैसे हैं, तो तू मुझे माफ कर दे, मैं फकीर हूं, मुझे अपने अपने घर में आने की इजाजत दे दे। तो फिर उसके बाद मुझे लगता है कि इस दुआ से, इस तौबा से मेरे लिए मक्का और मदीना का दरवाजा खुल गया और मेरे पास इजाजत मिल गई, वीजा लग गया। और वही वीजा जो मेरा कई साल तक फंसा हुआ था, वो शायद वो एक मकाम तक आना था जिसमें मैंने तड़पना था, रोना था, अल्लाह से माफी मांगनी थी और अल्लाह से मांगना था और अल्लाह ने मुझे अता करना था, तो मुझे इजाजत मिल गई और मैं बड़ा हम्बल होकर, बिल्कुल आप ये समझे कि एक शख्स जिसको पहले ये ख्याल हो कि मैं पैसों के साथ वहां जा सकता हूँ, वो फिर शर्मिंदगी के साथ, और मुझे लगता था कि मैं कैसे मनोबोझ के साथ जब मैं वहां दाखिल हुआ, मेरे लिए इसमें तो जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा तब था जब मैंने मक्का में पांव रखा। और फिर मेरे पास एक लिस्ट थी लोगों की, मैंने सोचा हुआ था कि मैंने मक्का से किन लोगों को कॉल करनी है, फिर मैंने सोचा हुआ था मैंने मदीना से किन लोगों को कॉल करनी है, मेरे पास वो भी लिस्ट थी तेजिस के बारे में मैंने सोचा हुआ था कि मैंने दोनों जगहों से जिनको वो जो है फोन करना है। अच्छा, मक्का से फोन करने में जो कि अगर आपने देखा हो कि मक्की लोग जरा सख्त थे, तो मेरे पास ऐसे लोग थे जिनकी लिस्ट मैंने बनाई थी जिनमें सख्ती थी, मैंने सोचा था मैंने मक्का से कॉल करूंगा, और फिर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके दिल गुदास थे, मोहब्बत से भरे थे, मैंने उन्हें मदीना से कॉल की। और ये जो बहुत सारा जो सिलसिला था कि ऐसे भी लोग थे जिनको मैंने दोनों जगह से कॉल करनी थी और मैंने की भी और इस पर अमल भी किया। तो मक्का से मैंने एक अपने एक दोस्त को कॉल की और मुझे पता था कि जाहिर मैंने आपको बताया ना कि उसका जो नाम था मक्का वाले जो लोग थे उनकी लिस्ट में था। तो मैंने उससे कहा कि मैं उमरा के लिए आया हूँ, अल्लाह ने मुझे इजाजत दिया, तो मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है। तो उसने अपनी मदर को फोन दे दिया, उनकी मदर ने जब फोन लिया तो उन्होंने कहा कि बेटा अपनी बीवी के लिए दुआ करना कि अल्लाह तुम्हें एक अच्छी, बड़ी खूबसूरत और बड़ी खूबसूरत से मुराद यानी कि अंदर से खूबसूरत बीवी तुम्हें दे। तो मैं चुप कर गया, ठहर गया, खामोश हो गया। तो जो उनकी मदर है वो बड़ी समझदार है, उन्होंने कहा कि बेटा तुम अपनी शादी की, अपनी बीवी की दुआ वहां जरूर मांगना। तो अब मेरे लिए, अब आप हैरान होंगे कि मैं एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान और एक लड़का उस वक्त में, तो मैं अपने मतलब अपनी फैमिली के लिए, मेरे पास हमेशा लोगों के लिए है, पता नहीं मुझे ऐसे लगता है कि मेरे अंदर कोई दरवेश रहा है, मुझे अपने से ज्यादा हमेशा दूसरों के बारे में सोचना अच्छा लगता है कि लोग ये कर लें, मतलब खासकर जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ। अजीब बात है कि मुझे, अगर मिसाल है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर मुझे अपना घर बनाना और किसी का घर बनाना हो, अब किसी मोहब्बत करने वाले का जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, वो नहीं कि कोई मुझसे, तो जाहिर है बहुत सारे लोग मोहब्बत करते हैं, जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं अपनी काम छोड़ के या अपना काम छोड़ के उसके लिए वो काम करूंगा, मुझे मुझे मजा आएगा, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे ये बात खुशी देती है कि दूसरे जो मुझसे, जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, मैं उनको कुछ दे रहा हूँ। मैंने जिंदगी में कभी अपनी शादी की दुआ नहीं मांगी थी और मैंने कभी अपनी बीवी के या के होने वाली बीवी के, जैसे लड़के होते हैं, मेरे अंदर जाहिर है बहुत सारी ख्वाहिशात थी, लेकिन मैंने अपनी ख्वाहिशात को लिस्ट डाउन किया हुआ था कि अभी मैंने ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर उसके बाद जाहिर है मैंने शादी का सोचना है। आमतौर पर जाहिर आपको पता है कि जैसे ही लड़के होश संभालते हैं, लड़कियों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, शादी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और क्रेविंग करते हैं। तो मेरे अंदर बहुत कुछ था लेकिन मैंने उसको कैटेगराइज और प्रायोरिटाइज किया हुआ था। तो मैंने फिर उनकी बात को सोचा कि हाँ ठीक है, अगर मुझे इजाजत मिली है
तो मैंने जिंदगी में पहली बार अपनी बीवी की, अपने पार्टनर की जो दुआ थी मैंने वो वहां पर मांगी। मैंने दुआ की अल्लाह ताला से गुलाफ काबा को पकड़ के कि या अल्लाह मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी के अंदर हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा वल के ये खूबी हो, क्योंकि हजरत खतीजा मेरी आइडियल है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पहली बीवी, हजूर ने उनके होते हुए दूसरी शादी नहीं की, फिर दूसरी एक बहुत हजरत खतीजा के साथ मुझे बहुत लगाव है, मैं उनको उनको बहुत पढ़ता हूँ, मुझे वैसे सारी उम्मातुल मोमिनीन से शदीद मोहब्बत है और मैं बहुत उनके लिए दुआएं करता हूँ, लेकिन हजरत खतीजा के साथ मेरा जो ताल्लुक है वो बहुत गहरा है और वो बचपन से है। मैं हमेशा आइडियलाइज करता हूँ कि एक खातून को ऐसा होना चाहिए कि उनमें वो जो बिजनेस क्वालिटीज थी और बहुत कुछ, बल्कि मैं किसी दिन उनके बारे में सोचता हूँ कि पूरी किताब अपने तौर पर एज ए माहिर नफ्सियात लिखकर आप लोगों को एजुकेट करूँ कि वो मेरी आइडियल क्यों थी। बीवियों वाली जो खूबी, उनमें एक खास जो ये थी जो मुझे बहुत पसंद थी, वो ये थी कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढारस बंधाती थी। वो पहली खातून थी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आई थी, यानी उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना एतमाद था कि उनको पहली मुसलमान औरत होने का खिताब है, उनके पास है। उनके पास बहुत ही बड़ी बात है कि आप एक शख्स के साथ जिंदगी गुजार रहे हो और आपको उस पर एतबार भी हो। सारी दुनिया, यानी कि बहुत सारे लोग, जब आपने ऐलान नबूवत किया तो लोग आपके खिलाफ हो गए, हजरत खतीजा आपके साथ रजी अल्लाह ताला अन्हा और जितनी बार कहा जाए उतनी बार कम है वो आपके साथ खड़ी हुई थी। तो ये वो जो उन, और फिर जब हजूर को पहली वही नाजिल हुई और जब आप आए, वो जो उनके जुमले हैं वो मैंने बहुत पढ़े हैं और मैं समझता हूँ कि मैंने इतनी बार पढ़े हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि जब आपने कहा कि आप लोगों को माफ़ करते हैं, मस्कीनों पर रहम करते हैं, लोगों के साथ जुड़ते हैं, वो जो जुमले थे जिनसे उनको मोटिवेशन और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, दिलासा मिला, ढारस मिली, तो मैं कहता हूँ कि बीवी में ये खूबी होना बड़ा ज़रूरी है। मैंने उस वक्त मक्का जो है खाना काबा के जो गुलाफ को पकड़ के दुआ मांगी कि मुझे हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के अंदर जो ये खूबी थी, अगर अल्लाह अगर तू मेरी बीवी के अंदर रख दे तो मेरे लिए दुनिया जन्नत बन जाएगी, मैं जिंदगी भर किसी और औरत की तरफ नहीं देखूंगा, मैं कभी सोच भी नहीं सकूंगा। यही खूबी मैं चाहता हूँ मर्दों में भी हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ औरत में होनी चाहिए, यही खूबी मर्दों में भी हो। मर्द को भी चाहिए कि वो अपनी बीवी के साथ वफा करे, उसके होते हुए पहली बीवी के होते हुए दूसरी का ना सोचे। मेरी पूरी फिलॉसफी है, वो भी आप किसी दिन गौर से सुन सकते हैं कि माहिर नफ्सियात साबिर चौधरी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और वो क्यों ये सारी बातें करते हैं। आप इख्तलाफ करें, एक लाख बार करें, इल्म इख्तलाफ होना चाहिए, लेकिन आप मेरी बात को, मेरी फिलॉसफी को समझें जो मैंने हजारों लोगों के साथ काम करने के बाद हासिल किया है, उसको आप एक दफा जरूर नजर रखें। फिर अब ये हुआ कि जब मेरी शादी हुई, जिसमें दो तीन बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी मदर ने मेरी सास को जो बात कही थी वो मेरे कानों में थी और बड़ी मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी की अचीवमेंट है। मेरी मदर ने कहा कि मैंने अपने बेटे की बड़ी शानदार तरबियत की है, तुम्हारी बेटी बहुत खुश नसीब है, बहुत खुश नसीब है जिसको मेरा बेटा मिला है। और फिर ज़ाहिर है जब मेरी शादी हुई तो मैं समझता हूँ कि मेरी बीवी खुश नसीब नहीं है, मैं खुश नसीब हूँ, क्योंकि मेरी बीवी के अंदर ये वाली खूबी मौजूद है कि अगर कभी कोई चीज़ बुरी होती है तो वो बुरे को नहीं देखती, अच्छे को देख। मैं इंसान हूँ, हो सकता है मुझे मेरे मूड स्विंग्स भी हो, कभी अच्छा हो कभी मैं बात करना ना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये भी क्लियर कर दूँ कि यहाँ से कोई आप मार्जिन ना ले लीजिएगा, मार्जिन ऑफ एरर, कि मैं कोई अच्छा शौहर नहीं हूँ। ज़ाहिर है मैं इसके हवाले से भी अपनी खुद तारीफ तो नहीं करता, मेरी बीवी जानती है कि मैं उसके साथ कैसा हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये बात कहूँगा कि एज ए ह्यूमन बींग मुझ में एरर होंगे, लेकिन वो किसी एरर को नहीं देखती। अगर कभी मेरी दो चीज़ें अगर उसके सामने रखी जाएँ, मेरी बुराई और मेरी खूबी, तो वो मेरी बुराई को ना वो सुन सकती है, ना उसको समझ आती है, ना उसको पता चलता है, वो सिर्फ मेरे अंदर की खूबियों को देखती है। अगर कोई मेरे खिलाफ बात करता है या खिलाफ लिखता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहती है कि जो मैं आपको जानती हूँ, जो मेरा और आपका रिलेशनशिप है, मैं चाहता हूँ कि मियाँ बीवी का रिलेशनशिप बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि अगर शोहर डाउन हो तो बीवी उसे अपलिफ्ट करे, अगर बीवी डाउन है तो शोहर उसे अपलिफ्ट करे। ये दोनों एक दूसरे का लिबास होते हैं, दोनों एक दूसरे पर एतमाद करते हैं। तो मैं खुश नसीब हूँ, मैं बड़े खुलकर आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने जो मेरे नसीब में लड़की और बीवी लिखी है उसमें ये खूबी मौजूद है कि वो मुझे अपलिफ्ट करती है, मुझे मोटिवेट करती है, मुझे साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अगर मुझे ज़रूरत हो, जब मैं उसके सामने दो बातें रखूँ, एक बात में मेरी बुराई है और एक में खूबी, तो वो मेरी खूबी वाली बात को ही देखती, सुनती, बोलती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं खुलकर ये बात बताना चाहता था। मैंने बहुत बार अपनी बीवी से भी इस बात का इजहार किया है कि तुम्हारी ये जो खूबी है, जिस जो हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा वाली खूबी है, जाहिर है हम उनकी खाक के बराबर हैं, जाहिर है माँ बाप हमारे, हमारी जानें उन पर कुर्बान हों, लेकिन उनके अंदर की खूबियों को हम अपने अंदर डिवेलप करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे रोल मॉडल है, मैं समझता हूँ कि हमें अपने रोल मॉडल्स की जो रियल जो खूबियाँ
उनको अपने अंदर लेके आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो बीवी के अंदर ये बड़ी खूबी होनी चाहिए कि जब वो आप डाउन हो तो वो आपको अपलिफ्ट करे। जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा।